Stay back, sir. I got this. तो दोस्तों आपका स्वागत है वापस से रेजिडेंट ईवल 2 में। आज हम करने वाले घोस्ट सर्वाइवर्स डीएलसी का दूसरा एपिसोड। आई होप आपको मजा आएगा। तो सबसे पहले तो धमाकेदार लाइक हो जाए, सब्सक्राइब करो, शेयर करो फॉर द नेक्स्ट एपिसोड। एंड आप लोगों ने देखा पिछले एपिसोड में कि हमने स्टार्ट किया था केंडो गन शॉप ओनर की कहानी से। थोड़ा एवरेज सा लगा मुझे ये डीएलसी, सिर्फ टाइम इवेंट्स है इसमें, ज़्यादा स्टोरी नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा सर्वाइवल मोड है एंड टफ है थोड़ा सा। आज का घोस्ट सर्वाइवर सिनारियो है रन अवे। तो ये बंदी जो कि हमें टेबल पे दिखती है अपने पुलिस चीफ आयरन्स के टेबल पे, वो इस पर ऑपरेट कर रहा होता है। जब हमारी छोटी शहरी पहुंचती है उसके ऑफिस में, इसकी लाश दिखती है हमें वहाँ पे। तो ये अगर बच जाती तो क्या होता है, ये हमें देखना है। तो ये है कैथरीन वॉरेन। ये चीफ आयरन्स के जाल में फंस जाती है। वो कहता है वो किसी स्पेशल समवन से मिलवाएगा, ऑफिस में बुलवाता है अपने, एंड फिर ऑफनेज में ले जाके उस पर एक्सपेरिमेंट करने वाला होता है। लेकिन कैथरीन वॉरेन इस सिनेरियो में उसको चाकू मार देती है, वो बच जाती है। इसका एक प्यार भी है बेन, उसको ढूंढना चाहती है ये। ये हमारे पास मैप है डायरेक्टर्स रूम में, हम लोग यहीं इस टेबल पे हमें उसकी लाश दिखती है मेन गेम में, अगर आपको याद हो। तो इस सिचुएशन में हमने यहाँ पे इसको ठोक डाला है। यहाँ पे चाबी भी पड़ी, चाबी उठा लेना, यही चाबी तो है बाहर निकलने का। ओके, तो मैं ट्रेनिंग मोड में खेल रहा हूँ इसलिए हमारे पास ज़्यादा माल है इसमें। पहले से ही मिक्स्ड हर्ब्स है 3, मैग्नम एमो है, हैंडगन एमो है, नाइस, एंड हमारे हाथ में SLS-60 है जिसमें मैग्नम भी जाती है एंड जिसमें नॉर्मल हैंडगन एमो भी जाती है। तो मैग्नम एमो निकाल के रख लिया भाई मैंने। तो यहाँ पे कुछ है, लेटर टू द डायरेक्टर। डू यू रिकॉल द वाइट स्पेसिमेंस डिस्कस्ड इन लास्ट मंथ्स रिपोर्ट? The researchers have named them pale heads. तो अलग अलग तरह के zombies हैं तीनों scenarios में। These specimens have undergone a special mutation. Unlike normal specimen, they have ability to regenerate. ओ भाई, इसमें zombie regenerate करेंगे। It would be difficult to stop these specimens with weak weapon. Not impossible, I should add, but it would take some time. I wouldn't try it myself. Stop the pale head, you must use high powered weaponry. Magnum से ही रुकेंगे वो लोग। ओके, स्पेशल रिपोर्ट मिल चुकी है भाई, मैग्नम से ही रोकना पड़ेगा उनको। पहले इसके वहाँ से भागो, इसके ऑफनेज से बाहर भागो। इज दिस अ पेल हेड? आई डोंट नो, लेकिन मैग्नम शॉट से इसका सर जरूर खोल दिया मैंने। 17 बुलेट है। ट्रेनिंग मोड में यही है कि टाइम सेट करने की जरूरत नहीं। ओ ये है पेल हेड। ओ शिट, ओपे शिट, ये कैसे लंगड़ा लंगड़ा के चल रहे यार, गजब का म्यूटेशन हुआ है इन पे तो, गजब का म्यूटेशन हुआ है। ओके, मैग्नम एमो और वेस्ट नहीं करूँगा, हैंडगन पे आ जाते वापस। पूरा ऑर्फनेज भर चुका है जॉम्बी से। अबे एक और पागल आ गया, मैग्नम निकाल, मैग्नम निकाल। ऑलमोस्ट, ये सीन तो और भी डरावने होते जा रहे धीरे धीरे। यहाँ पे हमें क्या चाहिए, चाबी चाहिए इसको, बड़ी वाली। नीचे एक चाबी तो थी, इसने उठाई क्यों नहीं? लगता नहीं इसके पास टॉर्च है। ओके, वी हैव दीज गाइज ऑल्सो यहाँ पे। एक मिनट, बुलेट चेंज हो रही है। दो शॉट मारा, इसका सर गया। बैकपैक मिला हमें, ओल्ड की। हाँ, अब मैं बाहर निकल सकता हूँ यहाँ से। गम्बॉल मशीन है यहाँ पे, आई थिंक हैंडगन लेने वाले हैं। सब वेपन रखना बहुत ज़रूरी है। सब वेपन से क्या होता है, कुछ ऐसे जॉम्बीज होते हैं जिनको हम मार ही नहीं सकते, जो पकड़ ले तो वन शॉट किल में हमें ख़त्म कर सकते हैं। उनके लिए चाहिए ये चाकू, बॉम्ब्स, वो ज़रूरी है। कौन से ज़माने का ताला लगाया रे इसने, कौन से ज़माने का ताला है ये? ओ नो, नॉट द डॉगीज, कम ऑन। इसमें एमो ज़्यादा है मेरे पास तो हल्ला मचा सकते हैं हम यहाँ पर। बैक कम ऑन, ओ नो, रीलोडिंग। ए शांत, ओ डॉगीज डाउन, डॉगीज डाउन। एक और बैकपैक में, दो गोली इसके सर पे सीधा। ऑर्फनेज से बाहर आ गए हम लोग, दूर की तरफ जा रहे। एक और ओल्ड की, फ्लेम थ्रोवर, गजब फ्लेम थ्रोवर दे दिया ये हमको। तो हर सेक्शन से बाहर निकलने के लिए आई थिंक मुझे चाबी चाहिए। वाह,
गजब है भैया, कैसे कैसे सिचुएशंस बन सकते थे, कितने सर्वाइव कर सकते थे इस एरिया से। ऑफरेंस से बाहर आ गए हम लोग। कौन है ये कैथरीन वॉरेन? ओह भाई, चमक रही है बारिश में तो बिल्कुल। इसका बॉयफ्रेंड कहाँ गया? ओके, वी सी ज़ॉम्बीज, पांच पांच निकल के आए एक साथ। कितने को जला सकते हैं हम लोग? ओ भाई, निकलते ही आ रहे, निकलते ही आ रहे, आग लगानी पड़ेगी। ओहो, रुक ही नहीं रहे लोग तो, जबरदस्त। बेचारी लड़की कहाँ ज़ॉम्बीज के बीच में फंस चुकी है। ओ भाई, कुछ मुझे ढंग से दिख भी नहीं रहा है, इतने लोग हैं यहाँ पे, इतने ज़ॉम्बीज हैं। एक बैकपैक वाला भी था कोई, ये वाला बहुत करीब आ गया मेरे। ओ यस, परफेक्ट शॉट। बैकपैक वाला कहाँ, बैग गिर गया उसका, वो जल चुका है। ज़ॉम्बीज को घुमा रहा हूँ मैं यहाँ से वहाँ। फ्यूल है इसके पास, परफेक्ट परफेक्ट। आ जाओ आ जाओ, पाँच छः आ जाओ एक साथ आ जाओ। ये लो, थोड़ा सा आग लो और फिर भाग जाओ। इनके साथ पंगा लेने का कोई फ़ायदा नहीं, निकल लो, चुपचाप से निकल लो। बस में से आई होप सब लोग निकल चुके बाहर। ओ नो, ओ नो, अबे ये वाले तो, अबे ये तो मर ही नहीं रहे इससे। मैग्नम एमो, अबे यार ये भी आ गए, शिट। मैग्नम एंड नॉर्मल एमो में स्विच करने में टाइम लग रहा था। इन सबको इधर आने दो, आने दो। मैग्नम रेडी रखो अपनी। ये पुलिस चीफ था ना, वो मिला हुआ था अम्ब्रेला वालों से, उनके लिए काम करता था। शिट, चाकू वेस्ट हुआ मेरा, एक का सर गया, दोनों मर गए एक गोली से। यस, चाकू वापस, इन्फिनाइट चाकू है मेरे पास, नाइस। अब ये पेल ज़ॉम्बीज कभी भी कहीं से भी आ सकते हैं। ओह नो, ये क्या चीज़ है? ओबे नहीं, ओबे नहीं, ओ नो, लिकर्स। बाहर से मार सकता हूँ, मार सकता हूँ मैं। ओह शिट, यस, मैग्नम से सर खोल दिया उसका, मैग्नम से सर खोल दिया। मैग्नम एमओ 12 ही है मेरे पास। कम ऑन, मैं कोने में फंस गया, बचा, कोने में दब गया था मुझे। नो नो, नॉर्मल एमओ, नॉर्मल एमओ, ध्यान देना पड़ेगा मुझको। ये तो रेंग रहा है बेचारा, बैग नहीं उठा पा रहा। कोई ना, बैग हम ले लेते हैं। ओह, तो चीफ आयरन अम्ब्रेला के लिए कुछ तो एक्सपेरिमेंट कर रहा था, उनको प्रोटेक्ट करता था वो पुलिस में होके। तभी किसको नहीं पता चला यहाँ पे क्या हुआ कांड। ओके, ओल्ड की भी मिल गई हमें, बैग खोलने ज़रूरी है इसका मतलब, उसके बिना जा ही नहीं सकते आगे। डैम इट, कैथरीन, उसने कैथरीन को ही क्यों पकड़ा? शेरी के साथ भी शायद वो ऐसे ही कुछ करने वाला था। शेरी को तो वो शायद इसलिए प्रोटेक्ट कर रहा था क्योंकि उसके माँ बाप अम्ब्रेला के लिए काम करते थे, उसके कुछ ऑब्लिगेशंस होंगे। तीन एक साथ उठ गए, चार पांच। ओके, वी हैव एक पागल ज़ॉम्बी इनके बीच में। बूम, मैग्नम शॉट गोज डाउन। अबे ये सब फंसा के मारेंगे। ये लो, चल के रहा कुछ, अबे गिर ही नहीं रहे। क्या लगाया इनको रेस, हम निकल गए दूसरी तरफ। कौन बचाने आएगा कैथरीन को, कौन बनेगा इसका हीरो? चाकू रख सकते हैं हम लोग, एक मेरे पास ग्रेनेड तो है ही पहले। आई थिंक मैं मैग्नम लेने वाला हूँ, बेस्ट रहेगा मैग्नम, क्योंकि एक अनलिमिटेड चाकू है, उसको मैं बार बार वापस ले सकता हूँ अगर मारा मैंने। नंगे पाँव भागी है भाई, मरते मरते बचिए ये। ओ नो, ओ नो, शिट, अरे यार ग्रेनेड खर्च हो गया, चाबी पे नहीं लगा हुआ था यार, कम ऑन। और वो हटा भी नहीं, दोनों मर जाते काश। ओह, इस पे ये इक्विप नहीं था कॉम्बैट नाइफ पे। ओ नो 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 नो, बुलेट चेंज हो रही है, बुलेट चेंज हो रही है, बचा। ओ भाई, डॉबरमैन
बहुत ही डरावने है, एक और आ रहा है। ओह शिट, ये तो एक शॉट में गया। कंफर्मेशन के साथ मारा है, चार ही बुलेट है मेरे पास हैंडगन की। व्हाट, बुलेट्स खत्म होने को आई है मेरी, विच इज नेवर गुड। एक पागल औरत दिख रही है हमें, आ गई अंदर। हिलना बंद कर, हिलना बंद कर। ज़ॉम्बीज म्यूटेट कर रहे हैं। ओह टू मैनी अराउंड हेयर। फिर दोबारा हम लोग पुलिस स्टेशन में जा रहे हैं। अबे सबको अवॉइड करो, पीछे से भागो, इनके पीछे से चले जाओ। अरे पागल, उसके पास बैग है, पागल वाले के पास। एक पे मारना पड़ेगा मुझको। ओ नो, दो दो। अबे यार सबसे पंगा लेना पड़ेगा मुझको। इसको मार, इसको मार, नहीं लगी। बैकअप बैकअप। ओ कम ऑन, यस, ओल्ड की। कितने हैं अबे? शिट, बेशरम पीछे से पकड़ता है लड़कियों को। पुलिस वाले होके हमें तंग करते हो। हेल्थ तो मेरी अच्छी है यार। ओके आराम से, नो प्रॉब्लम। क्यों पंगा लेना बेकार का। पार्किंग लॉट में पहुंच चुके हैं, जाना कहाँ है मुझे। मैप पूरा खुला भी नहीं है अभी। ओ नो, व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन। अजीब सा एटमॉस्फेयर है यहाँ पे। एक गया, ए ए ए, एक और है। द पेल वंस, सर फटा। ओल्ड की, दो ओल्ड की हो गए मेरे पास। व्हाट, जाऊं कहाँ चाबी लेके। ओके ये रास्ता भी बंद है, अंडरग्राउंड वाला रास्ता बंद कर रखा है इस पर। मुझे जेल में जाना है क्या? ओ भाई जेल की तरफ से जाना है मुझे, वहां पर एग्जिट है। जेल सेल में कोई है? अच्छा स्टोरी से पहले इनने बताया था इसका बॉयफ्रेंड जेल में बंद है, बेन। ओ बेन वो आदमी है यार जो यहाँ पे केस खोल रहा था, जिसका सर फोड़ देता है टायरेंट, वो था बेन। ओ तो चीफ ने बेन को वहाँ पे बंद किया, इसको एक्सपेरिमेंट के लिए ले गए बेन से मिलाने के लिए। उसकी गर्लफ्रेंड थी ये। ओके मैंने ये निकाल लिया, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम, चलेगा चलेगा। कंबाइन करो इसको रेड हर्ब के साथ, कुछ स्पेशल तो था नहीं इसमें। ओह शिट, ओपे ये सारे गेट खुल क्यों गया अचानक, इतने सारे सामने से आ रहे हैं। वी आर ऑलमोस्ट आउट ऑफ एमो यार। ओ यस एक और मशीन है, फर्स्ट एड मैग्नम एमो, मैग्नम एमो। ये वाला खुल सकता है, यस। अबे फिर एक ही बचेगा मेरे पास। पीछे से शॉर्टकट मार के आ गए शायद हम, मे बी। ओह कम ऑन, अबे दो है, सब आ रहे हैं। जलो 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 जलो, पीछे वाला कहाँ गया? ओह कम ऑन कम ऑन, गई इसके मुंह पे। ओह यस, ओह मैग्नम पे आ गए हम लोग वापस। भाग भाग भाग, बेन कहाँ है, बेन कहाँ है? यस बेन तक पहुंच गई, बेन को भी बचा लिया इसने टैरेंट के मरने से पहले। यस तो हमने इसको 13 मिनट एंड 6 सेकंड में कर दिया, लेकिन ये ट्रेनिंग मोड में था। अगर हम इसको नॉर्मल डिफिकल्टी वाले में खेल रहे होते तो आई थिंक उसमें एक दो स्पेशल मॉन्स्टर्स और आते हैं एंड वो तकलीफ बनते हमारे लिए, एंड हमारे पास चीज़ें भी कम होती है, एमओ हेल्थ वेल्थ सब कम होती है। तो दोस्तों ये था आज का एपिसोड, आई होप आपको मज़ा आया। प्लीज़ लाइक ठोकना ना भूलिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, एंड मुझे कमेंट्स में बताइए आपका फेवरेट मोमेंट आज के एपिसोड में। मुझे ठीक ठाक से लगा, ये DLC फ्री है, चलो ठीक है, लेकिन ज़्यादा स्टोरी नहीं है, बस सर्वाइवल मोड है एक। तो मिलेंगे नेक्स्ट टाइम,
विद द थर्ड एंड आखिरी DLC, एंड उसके बाद आई थिंक रेजिडेंट ईवल 2 खत्म हमारे तरफ से। तो तब तक के लिए बाय। Perfect.